हे गाइस, वेलकम टू जीटेक एजुकेशन और गूगल प्रोडक्ट्स के एक और नए एपिसोड में आपका स्वागत है। इसमें हमने सोचा है कि यूट्यूब के बारे में आपको हम बताएंगे। यूट्यूब भी बेसिकली एक गूगल का ही प्रोडक्ट है। ये इसे तीन लोगों ने फाउंड किया था 2005 में। स्टीव चेन, चांद हर्ली और जावेद करीम नाम के तीन व्यक्ति थे जिन्होंने 2005 में यूट्यूब को फाउंड किया था। यूट्यूब के बारे में सोचा था, आइडिया आया था उन्हें। कहा जाता है कि यूट्यूब का आइडिया ऐसे आया था कि वो किसी पार्टी में गए थे और उनका एक साथी जावेद करीम उस पार्टी में नहीं पहुंच पाए थे और उसमें कुछ ऐसा इंसिडेंट हुआ था जो बहुत मज़े का था। उन्हें उनके दोस्तों ने बताया तो उन्हें बहुत बुरा लगा कि काश वो भी देख पाते उस इंसिडेंट को, लेकिन वो सोच रहे थे उसे कैसे देखा जा सकता था। तो उस समय उन्हें आइडिया आया कि अगर कोई उस वीडियो को मुझ तक भेज देता या कोई वीडियो बना लेता तो वो शायद मैं अभी देख सकता था। तो उस आइडिया से उन्होंने वो यूट्यूब के बारे में सोचा था और यूट्यूब को उन तीन दोस्तों ने मिलकर उस आइडिया को प्रैक्टिकली लाइफ में किया था। और सबसे पहले उनका जो स्लोगन था, ब्रॉडकास्ट योर सेल्फ करके, यूट्यूब लोगों के साथ ब्रॉडकास्ट योर सेल्फ का उन्होंने स्लोगन दिया था कि आप अपनी कहीं भी कोई वीडियो देखिए और यूट्यूब पे चैनल बनाकर अपलोड कर सकते थे। उस वक्त बहुत फीचर्स कम थे, अपलोड करने में प्रॉब्लम्स आते थे। सो 14 फरवरी 2005 को ये यूट्यूब को सब लोगों ने, तीन दोस्तों ने मिलकर फाउंड किया था और 2006 में गूगल ने $1.65 बिलियन पे उन्होंने इस एप्लीकेशन को ख़रीद लिया था, इस आइडिया को ख़रीद लिया था। आज के समय में शायद ही कोई बच्चा होगा, कोई भी आदमी होगा जो YouTube के बारे में नहीं जानता हो। हर किसी के फ़ोन में ऑलरेडी YouTube जो होता है एप्लीकेशन इंस्टॉल होता है। और इसमें ये भी है कि अगर आप कमेंट कर पा रहे हैं अपने YouTube के किसी भी वीडियो पे तो आपका चैनल क्रिएट हो जाता है। बिना चैनल क्रिएट किए आप YouTube पे कमेंट नहीं कर सकते। हाँ, आप वहाँ पे वीडियो देख सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, बट किसी भी वीडियो पे कमेंट नहीं कर सकते हैं। अभी का जो टर्म कंडीशन है, आपको चैनल क्रिएट करना ही पड़ता है तो आप वहाँ पे ऐसे कमेंट कर पाते हैं। अपने ईमेल आईडी से YouTube में जाके अपने चैनल बना सकते हैं। उसके बारे में भी हमने एक पूरी डिटेल बनाई थी कि YouTube चैनल कैसे क्रिएट करते हैं, उससे कैसे आप पैसे कमा सकते हैं। तो वो सारी चीज़ें भी आप हमारे प्लेलिस्ट में जाके YouTube के बारे में देख सकते हैं। और YouTube के बारे में जब हम बात करते हैं तो जब Google ने YouTube को फाइंड आउट ख़रीद लिया था तो उसमें बहुत सारी चीज़ें इम्प्लीमेंट की, बहुत सारी चीज़ें बनाई। और लगभग 2005 से YouTube आ रहा है, 16 साल हो गए हैं। तो इतने समय में Google ने ये प्रोडक्ट, YouTube का तो है ही, Google का ही प्रोडक्ट है YouTube, लेकिन YouTube के भी चार प्रोडक्ट Google ने बना, YouTube प्रीमियम, YouTube म्यूज़िक, YouTube TV और YouTube किड्स करके, ये चार अभी प्रोडक्ट्स हैं जो YouTube के ही बने हुए हैं। और YouTube के जैसे सारे कंटेंट वहाँ पे पब्लिश होते हैं, किड्स वाले किड्स के तरह किड्स के कंटेंट वहाँ पे डालते हैं। TV पे और कुछ अलग कंटेंट आता है, म्यूज़िक पे सिर्फ म्यूज़िक आप सुनते हैं, प्रीमियम का अलग कंटेंट है। तो इस तरह के चार प्रोडक्ट जो अभी Google ने बनाए हैं, ये इसे YouTube को ख़रीदा था और YouTube के चार प्रोडक्ट्स बना लिए हैं। अगले कुछ वीडियोस में हम कवर करेंगे इन सारे प्रोडक्ट्स के बारे में भी आपको इंट्रोड्यूस कराएं। तो सुशान करके एक हैं जिन्होंने, जो अभी YouTube के CEO हैं। चार्ड हर्ली अभी भी YouTube के एडवाइज़र के तौर पे काम करते हैं। चार्ड हर्ली तीन फाउंडर में से एक फाउंडर थे और अभी भी वो एज एडवाइज़र YouTube के लिए काम कर रहे हैं। YouTube के बारे में एक और अमेजिंग बात यह है कि अभी तक YouTube में सिर्फ 16 साल में सिर्फ तीन बार ही अपने लोगों को चेंज किया हुआ है। तो सबसे पहले उनके जो चैनल था YouTube, उसके बाद से ब्रॉडकास्ट योर सेल्फ का था। और जब दूसरी बार चेंज किया तो उन्होंने ब्रॉडकास्ट यूरसेल का जो स्लोगन था उसे हटा दिया, सिर्फ YouTube रहने दिया और उसका लोगो अभी जो है 2017 में लास्ट टाइम YouTube का लोगो चेंज किया गया था, जो अभी तक वही चला आ रहा है। तो YouTube का एक ये भी एक पॉइंट है कि 16 साल में सिर्फ तीन बार उन्होंने लोगों को चेंज किया है। जैसा कि मैंने बताया आपको कि जब YouTube को Google ने ख़रीदा था उस वक्त 1.65 बिलियन डॉलर में ख़रीदा था, लेकिन अभी लास्ट टाइम जो 2020 में रिपोर्ट आई थी तो उस रिपोर्ट के हिसाब से अभी लगभग $20 बिलियन का रिवेन्यू जनरेट कर रहा है YouTube।
लास्ट टाइम 2020 में ये रिपोर्ट आई थी। तो एक बहुत बड़ा बिजनेस है यूट्यूब का। सबसे बेस्ट पार्ट ये है कि यूट्यूब सिर्फ खुद अर्न नहीं करता, इस पर जो कंटेंट क्रिएटर हैं उन्हें भी ये एक ऑप्शन देता है कि कंटेंट क्रिएटर भी उससे अर्न कर सकते हैं। इस आइडिया से ये होता है कि बहुत सारे लोग यूट्यूब पे बिजनेस के तौर पे भी काम करते हैं, उस पर अपने कंटेंट डालते हैं और उससे अर्न करते हैं, उनका एक तरह से काम चलता है। तो कुछ लोग प्रोफेशनली और रेगुलरली वीडियो डालते हैं और यूट्यूब पे ही अपना बिजनेस बनाए हुए हैं, उसे ही काम कर रहे हैं। तो यूट्यूब को कंटेंट भी मिलते रहता है और उसका सम परसेंट जो क्राइटेरिया है एक उसके मोनेटाइजेशन का, कितने होने चाहिए, आपके 1000 सब्सक्राइबर होने चाहिए, 4000 घंटे का वॉच टाइम होना चाहिए, 2-स्टेप वेरिफिकेशन आपके ईमेल आईडी का होना चाहिए जो कि जिस ईमेल आईडी से आपने चैनल बनाया है, और एक होता है क्राइटेरिया कि 365 डेज़ में ये सारे क्राइटेरिया अगर फुलफ़िल करते हैं तो आपका चैनल रिव्यू के लिए एलिजिबल होता है। उसके लिए एक और गूगल का प्रोडक्ट है एडसेंस। एडसेंस गूगल का ही प्रोडक्ट है जिसमें जो कि एक वॉलेट की तरह काम करता है और यूट्यूब से जितनी भी अर्निंग होती है आपके एडसेंस में रहती है और वहाँ से फिर जब $100 आपके हो जाते हैं 1 month में, वो सारे डॉलर को एडसेंस रिलीज कर देता है आपके अकाउंट में। उसके भी अलग प्रोडक्ट्स हैं, हम एक ही वीडियो में ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन करना बहुत ही डिफ़िकल्ट है, नहीं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो हम एडसेंस के ऊपर भी एक जब वीडियो बनाएंगे तो हम बताएंगे कि उसके क्या क्या प्रोसीजर होते हैं, कैसे उसमें पैसे आते हैं और कैसे आपके अकाउंट्स में रिलीज होते हैं, तो ये सारी चीज़ें। तो अभी ये हमने यूट्यूब को इंट्रोड्यूस किया आपके सामने, जो गूगल का प्रोडक्ट है। गूगल के इस प्रोडक्ट में यूट्यूब में आप वीडियोज़ बेसिकली देखते हैं, वीडियोज़ देखने से जो चैनल क्रिएटर हैं उनको बेनिफिट्स ये मिलता है कि आपकी वीडियो आपको देखने की वजह से उन्हें पैसे मिलते हैं, उसका सबका क्राइटेरिया अलग है। तो इस तरह से आप भी चाहें तो यूट्यूब पे चैनल क्रिएट कर सकते हैं। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगती है, हमारा चैनल आपको अच्छा लगता है तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि और भी ऐसी जानकारी आपको हम प्रोवाइड करा सकें और आपकी हमारी वीडियोज़ की अपडेट आपको मिलती रहे। वीडियो अच्छी लगती है तो इसे ज़रूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा, सोशल मीडिया पे शेयर कीजिएगा। इससे हमें ये फ़ायदा होगा कि एज हम कंटेंट क्रिएटर काम कर रहे हैं तो आपके देखने से और आपके वॉच करने से, हमारे साथ जुड़े रहने से हमें अर्निंग होगी और हम और मोटिवेट होकर आपको और अच्छे कंटेंट प्रोवाइड कराते रहेंगे। थैंक यू।